हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। चलो मैं बैठा हूँ फिलहाल नैनो में, इसलिए थोड़ी डिम लाइट है। अब हमारी मिनी कूपर की लाइट इतनी है तो क्या करें। और फिलहाल बजे हैं सुबह 5:30 और मैं जा रहा हूँ अपनी कुल देवी के, जो है कि डीडवाना पड़ाया माता, जो अक्षुस का हमने मुंडन करवाया था, तो उसके बाल वो चढ़वाने होते हैं, मतलब जो मुंडन के पहले बाल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो मैं जा रहा हूँ अकेला नहीं, अपनी ससुराल वाली फैमिली के साथ, जिसमें मेरे सास ससुर जी यानी मम्मी पापा और ब्रदर इन लॉ और सिस्टर, उनके साथ भी कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि इस बार सोलो ट्रिप है उनके साथ मेरा। मतलब कभी ऐसे अकेले कहीं गया नहीं इतना लॉन्ग टूर पे कि जा ही रहा हूँ। तो मैं मतलब आप लोगों को भी अपनी कुल माता के दर्शन करवा दूँ। और वैसे डीडवाना नमक वाले माता जी के नाम से बहुत फेमस है, वही हमारी कुल माता है। अच्छा, वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मेरी साली जी हैं, उनकी है शादी नेक्स्ट मंथ। तो वो एक बार, मतलब हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि एक बार फेरी दी जाए, तो हम फेरी वेरी दे रहे हैं जाके, और मैं भी जा रहा हूँ। चलिए मिलते हैं। तो यहाँ से तो मैं गाड़ी ले जा रहा हूँ, और वहाँ पे ले जाके उनकी गाड़ी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब जाते हैं फिलहाल, वरना लेट हो जाएगा। बस अभी हम पहुंचने वाले हैं, और हम पहुंच चुके हैं, दर्शन भी कर लिए हैं, और अभी फ़िलहाल भोजन का कार्यक्रम शुरू करते हैं, उसके बाद मैं आपको दर्शन करवाता हूं। तो खाना वाना हो गया हमारा, और मैं फ़िलहाल खड़ा हूं मंदिर की छत पर, और व्यू देखिए यहां से, वो देखिए नमक निकाला जा रहा है। वाह, कितना सुंदर नज़ारा है। ये डीडवाना लेक है वैसे, और झील सूखी तो नहीं है, पानी आपको दिख रहा होगा उस तरफ है थोड़ा। और ये पीछे की तरफ है हमारे दरगाह, और ये मंदिर की दीवार देखिए कितना आसपास है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। चलिए मंदिर दिखाता हूँ आपको। तो सामने से आ रहे हैं हमारे साली जी, और ये साली जी जिनकी शादी के लिए हम यहाँ आए, मतलब फेरी के लिए हम यहाँ आए। और ये है मंदिर, मंदिर में कैमरा ले जाना मना है, मतलब मैंने सारे मंदिरों में देखा है कैमरा यार अलाउ ही नहीं करते, और मैं ज़बरदस्ती मतलब छुपके ये काम नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मना है तो फिर कैमरा ले जाने का कोई सेंस नहीं है, मतलब किसी की भावनाओं को आहत करना ठीक नहीं है। तो इसलिए हम बाहर से ही, यहाँ से दिखा देता हूँ। मूर्ति तो वैसे नहीं दिखेगी आपको, थोड़ी सी फिर भी, मतलब कुल मिला के हम मंदिर तक तो पहुँच ही गए। अभी फ़िलहाल है चलने का समय, और चलते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं श्री कृष्ण गोपाल गो सेवा समिति, नागौर की बहुत ही बड़ी गौशाला है यहाँ की, और बहुत ही अच्छी जगह है। हम रास्ते के बीच में आती, मतलब हाईवे पे, तो हमने सोचा हम भी थोड़ा रुक लेते हैं और आपको भी थोड़ा दिखा देते हैं। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, और बहुत सारी गायें हैं यहाँ पर, ये शायद मेन रोड नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं मेन रास्ते की तरफ से। तो बहुत सारी दुकानें लगी है वैसे यहाँ बाहर, और ये चारा कटिंग की जा रही है, मतलब अगर आप ही गायों को चारा वारा देते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, और बहुत सारे दानी यहाँ पे आते हैं। देखिए प्रसिद्ध गर्मा गर्म रबड़ी निःशुल्क, प्रसिद्ध चाय 24 घंटे निःशुल्क, इसे ही कहते हैं असली सेवा यात्रियों के लिए जो भी यहाँ से आते जाते हैं। तो हम पहुँच गए हैं प्रवेश द्वार पे, जहाँ से मतलब जो एंट्रेंस है हमारा, और चलते हैं फिलहाल अंदर। ये देखिए कितनी सारी गायें, ये सारी बीमार हैं, और यहाँ पे इनका खास ख्याल रखा जाता है, मतलब हर एक को कुछ ना कुछ बीमारी बेचारी, किसी की टांग नहीं है, किसी के शरीर पर घाव है, कुछ ना कुछ, और बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और ये हमारा पूजा स्थल, ये यहाँ की पहली गाय है जिसे इस जगह लेके आया था, और इसी गाय की वजह से ये इनके मन में विचार आया, मतलब ये कोशा लगा, तो ये यहाँ की पहली गाय है। और अब देखिए यहाँ पर कितनी सारी गायें वो रखी है,
ये कामधेनु का है वैसे, मतलब बोर्ड के हिसाब से यहाँ पे लिखा है कि ये कामधेनु का है। देखिए कितनी कितनी सारी गायें हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बीमार है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ यहाँ पे सारी बीमार गायें और यहाँ पे उनकी सेवा की जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा जू भी है, ये देखिए हिरण विरण, और इसमें क्या है, इसमें पता नहीं ये क्या है, शायद बगुला होगा। और ये हमारे रैबिट भाई साहब खरगोश, और इन्हें क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, चूहे जैसे हैं, इसका नाम था कुछ पता नहीं, नाम भूल गया मैं। ये वापस हिरण बकरी, चलो फिलहाल चलते हैं यहाँ से। और आपको भी अगर ऐसा मौका मिले गायों की सेवा के लिए तो ज़रूर करें, यहाँ पे दान पुण्य कर सकते हैं, और यहाँ पे नहीं मतलब आप कहीं भी दान पुण्य कर सकते हैं, मतलब गायों का ध्यान रखें। फिलहाल चलते हैं घर पे और मिलते हैं घर पे आप। तो भैया मैं पहुँच गया हूँ अपने घर और उनको अपने घर छोड़ दिया है, जस्ट अभी पहुँचा हूँ। अब थोड़ा सा थोड़ी सी थकावट हुई है क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी का सफ़र था, बैठे बैठे इंसान थोड़ा तो यार अब हो ही जाता है। तो अच्छा रहा, काफ़ी मतलब मज़ेदार सफ़र था, सोलो था और ससुराल वालों के साथ मेरा फर्स्ट सोलो था यानी, तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बढ़िया था। और अगर आपको कंटिन्यूस व्लॉग चाहिए तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।